हेलो एवरीवन, वेलकम टू खाना मुबारक। तो आज मैं आया हूँ टुंडे कबाबी लखनऊ स्ट्रीट बेंगलुरु में। तो इनके अवधी क्विजिन के जायके हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये इनका इंटीरियर है और नीचे इनका किचन का सेटअप है। तो इनके मस्त जायके हम ट्राई करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंटर दिखिएगा वीडियो को। और हमने यहाँ पे जो मेन मेन डिशेज हैं वो हम ऑर्डर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ टुंडे कबाबी लखनऊ स्ट्रीट, जो बेंगलुरु के हैपनिंग जो ब्रिगेड रोड है। यहाँ पे देखिए, ये इनका मेनू है। तो इनके मेनू में इन्होंने बहुत सारे ऑथेंटिक डिशेज इंक्लूड किए। तो हम ऑर्डर करेंगे गलौटी कबाब, जो कि ऑथेंटिक जिसके लिए जाना जाता है टुंडे कबाबी। और हमने मटन शीख कबाब भी ऑर्डर किया है। उसके बाद हम एक बिरयानी भी ऑर्डर करेंगे, मटन बिरयानी। तो इनका जायका देखते हैं, लखनवी का क्विजीन का कैसा होता है। और साथ ही साथ हमको एक डिज़र्ट भी ऑर्डर करना है, और जो इंडियन ब्रेड्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्वीट में यहाँ पे देखिए, अवधी फिरनी हम ऑर्डर करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन ब्रेड्स में यहाँ पे उन्होंने हमें रिकमेंड किया, और यहाँ पे मस्त है लखनवी पराठा। सॉरी, मैंने इस वीडियो में रोटी बुलाया, लेकिन वो लखनवी पराठा है। तो चलिए वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इनका इंटीरियर चाहिए। यहाँ पे देखिए, इनके ट्रेडिशनल कॉपर वेसल में बन रहे हैं गलौटी कबाब, जो मेल्ट इन द माउथ कबाब होते हैं। हमारा ट्रेडिशनल गलौटी कबाब है, ये कॉपर के बड़े तवे में जो लखनऊ से लेके आते हैं उसमें बनता है। हमारे कारीगर पूरे खानसामा के लाइन से आते हैं और वही हम बनाते हैं। मसाले भी हमारे इन-हाउस सीक्रेट होते हैं। मसाला हम लोग मसाला उनको मिक्स करके हम लोग ये कारीगर को देते हैं। और ये सीख है ना, ये मटन सीख? जी, ये मटन सीख है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और वेट डिशेस का जो हमने मंगाए हैं, कबाब और जो उनकी लखनवी जो। तो हमारा मटन सीख आ चुका है। यहाँ पे देखिए, तो हमारे सीख आ चुके हैं, मटन सीख। हम वेट कर रहे हैं रोटी का, जिसके साथ हम इसका टेस्ट करेंगे। इसको सर्व किया जाता है चटनी, हरी चटनी के साथ, प्याज नींबू। तो चलिए लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छे कैसी मोटी है ये मटन की सीख। तो यहाँ पे देखिए, हमने सीख को हमारे प्लेट में लगा लिया है। इसका जायका दिखाऊंगा। यहाँ पे अच्छी खासी मोटी है ये मटन की सीख। यहाँ पे देखिए, तो पहले चटनी लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऐसे ही टेस्ट करेंगे, बाद में हम चटनी के साथ खाएंगे, क्योंकि हमको टेस्ट पता लगने के लिए। यहाँ पे देखिए, मसालों के साथ हरा धनिया और बहुत सी सारे मसालों के साथ ये बनाई गई है। मस्त है एकदम। ये हमारे रोटी कबाब भी आ चुके हैं यहाँ पे, और रोटी भी आ चुकी है। इनका जायका मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस मटन सीख कबाब के ऊपर। तो जैसे मैं बताता, इसका फ्लेवरफुल मसाला है। हाँ, ये थोड़ा स्पाइसी है, लेकिन मस्त, ज़्यादा ओवर स्पाइसी नहीं है, मस्त है स्पाइसी टेस्ट के हिसाब से। और एक फ्लेवरफुल है इसमें, फ्लेवरफुल है ये, क्योंकि जो मसाले इसमें पड़े हैं उन्होंने बताया कि उनके जो एक्चुअल लखनऊ के खानसामा जो होते हैं, शेफ होते हैं, वो उन्होंने वही प्रिपेयर करते हैं सारे डिशेस। तो यहाँ पे देखिए, बहुत मस्त है। चलिए चटनी के साथ ट्राई करते हैं। ये हरी चटनी है, तीखी चटनी है, हरा धनिया और हरी मिर्च की। तो ये थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन देती है इसको। तो ये देखिए, यहाँ की स्पेशल रोटी।
ये इनकी स्पेशल रोटी है लखनवी। देखिए कैसे तीन है, मस्त तैयार हुई है, बहुत मस्त तैयार हुई है रोटी है। देख ये कबाब के साथ एकदम ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। तो हम रोटी, ये जो लखनवी रोटी है इसके साथ सीख को भी ट्राई करेंगे और गलौटे कबाब को भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ हाफ मंगाया क्योंकि हमको जो बाकी डिशेस पे ट्राई करने हैं, टेस्ट करने हैं, तो इसलिए ज़्यादा हैवी ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ दो पीसेस मंगाए हैं गलौटे कबाब के। तो चलिए पहले इसको ऐसे खा के देखते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, मस्त है ये। बहुत ही उम्दा टेस्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी ज़बरदस्त है। तो ये जो लखनऊ रोटी है वो हमने एक मंगाई है, जिसके चार पीसेस उन्होंने कर हमको दिए हैं। ये बहुत ही मस्त है। मटन के कीमे को मसालों में मिक्स करके अच्छी तरीके से फ्लेवरफुल मसालों को उन्होंने शेक बनाया इसका, और दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हमारे वीडियो में कि प्लीज़ एंड तक देखिए, वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत चीज़ें मैं दिखाता हूँ, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए और सब्सक्राइब करिए खाना मुबारक, और टैप करिए घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो आज मैं आया हूँ टुंडे कबाबी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये गलौटे कबाब जो है ये एक स्पेशल यहाँ की जो टुंडे कबाबी जिसके लिए फेमस है, गलौटे कबाब दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर है ये, जो मेल्ट इन द माउथ, जो मुँह में घुल जाने वाले जो कबाब होते हैं, इसका जायका हम नेक्स्ट लेंगे। मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा यहाँ पे, ये हमारी लखनऊ रोटी के साथ इसका जायका हम ट्राई करेंगे। ये थोड़ा उसको ये पे देखिए, ये रोटी कबाब है, इसके मसाले। तो यहाँ पे देखिए हमने रोटी कबाब लगा लिया है, बहुत सॉफ्ट है, और जैसे सीख कबाब ज़बरदस्त महीन यानी कि जो बारीक इसके मिक्स मीट मटन का वैसे ही ये भी है। तो इसको ट्राई करते हैं पहले ऐसे ही, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था और जैसे पढ़ा था, एकदम मुंह में डालते हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाला ऐसा, और उसमें थोड़े फ्लेवर्स हैं जैसे कि जैसे केवड़ा या कुछ होता है वैसा फ्लेवर है इसमें। मटन सीख कबाब में भी थोड़ा हल्का सा था, इसमें भी है, चाहे मुँह में घुल जाने वाले ऐसे एकदम मसाले हैं इसमें, और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है कम्पेयर टू जो मटन सीख कबाब था उससे कम स्पाइसी है ये, लेकिन वो भी अच्छा स्पाइसी नहीं था, अच्छा था लेकिन स्पाइसीनेस थोड़ा था उसमें, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करा था स्पाइसीनेस उसमें, और ये उससे कम थोड़ा स्पाइसी है। तो अल्टीमेटली हम ट्राई कर रहे हैं गलौटे कबाब विद दी लखनवी रोटी, ये बात कर सकते हैं।
ये आ गया हमारी मटन बिरयानी जो यहाँ की लखनवी स्टाइल में बनी है। तो ये रेडी है, तो चले चखते हैं। इसका गर्मा गर्म है ये। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैंने नोटिस ये कि जैसे ही उन्होंने टेबल पर ला के रखा तो ये उसको से मस्त खुशबू आई और फ्लेवरफुल खुशबू थी उसमें। और ये मटन है देखेंगे, इसमें मटन का पीस भी देखेंगे। और ये जैसे गरम मसाले का फ्लेवरफुल जो लौंग की खुशबू होती है वो हमें लगी, तो देखते हैं कैसी है ये। दोस्तों इसका एकदम मेजॉरिटी इसमें गरम मसाले का फ्लेवर है, जो लौंग ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। हल्की सी इसमें काली मिर्च का जो गरम मसाले होते हैं, लौंग, इलायची और जो इसका मेजॉरिटी फ्लेवर है इसमें, इसका मेजॉरिटी फ्लेवर उसमें है। जैसे मैंने आपको बताया ये लखनवी फ्लेवरफुल बिरयानियाँ, यहाँ पे इनका मटन ट्राई करते हैं। जूसी पीस लग रहा है, मटन अच्छी तरीके से टेंडराइज्ड है, मतलब गला है अच्छी तरीके से। और ये इस पर टेस्ट भी एग्जैक्ट जो बिरयानी का टेस्ट है वो वही इसमें भी है। और ये है टुंडे कबाब, ये लखनऊ स्ट्रीट बेंगलुरु में आया हूँ मैं आज। इनकी मटन बिरयानी और बाकी के कबाब के जायके, गरोटे कबाब मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे हमने लखनवी जायके को ट्राई किया। इनके कबाब अल्टीमेट थे, ज़बरदस्त थे। बिरयानी भी थी लेकिन हमको सबसे बेस्ट जो लगा है वो है मटन शीख कबाब, बहुत ही उम्दा थे। और जो गलोटी कबाब वो भी ज़बरदस्त है, और रोटी के साथ लखनवी रोटी के साथ जो एकदम कॉम्बिनेशन, बढ़िया कॉम्बिनेशन, मस्त था। और इस जायके को ख़त्म करने के लिए हमने फिरनी मंगाई है जो आवधी स्टाइल में, देखते हैं वो कैसी है। और उसको उसके साथ हम हमारा जायका ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आखिरी जायका आ चुका है फिरनी का। मस्त है, चिल्ड है और डेंस है, डेंस हल्का सा एक कार्डामम यानी कि इलायची का फ्लेवर, मीठी जैसे फिरनी होती है, मस्त है। ये सही तरीका है जो कबाब के जायके को ख़त्म करने का। तो हमें ज़रूर पता है कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ये है लखनवी स्ट्रीट टुंडे कबाबी जिसका जायका मैंने अभी आपको दिखाया। हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, खाना मुबारक टैप करें, बेल घंटी के आइकन को ज़रूर टैप करें। तो मैं आपको नए नए फूड के ट्रैवल के वीडियोस डालते रहता हूँ। तो ये था टुंडे कबाबी लखनऊ स्ट्रीट, हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। टेक केयर, स्टे सेफ, खाना मुबारक, खुदा हाफिज़।